राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर गड्ढे में फंसा कंटेनर। आपको बता दें क्या है पूरा मामला। राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए फिरोजपुर झिरका शहर में स्थित अंबेडकर चौक के समीप एक गड्ढे में कंटेनर फंस गया। इस मुख्य मार्ग पर कंटेनर के फंसने से काफ़ी देर तक जाम जैसे हालात बने रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले काफ़ी समय से गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। रही सही कसर पिछले कई दिनों से हो रही झमाझम बरसात ने पूरी कर दी। दोपहर के बाद एक कंटेनर अलवर की तरफ से नूह की तरफ जा रहा था। जैसे ही कंटेनर अंबेडकर चौक फिरोजपुर झिरका के समीप पहुंचा तो गड्ढे में फंस गया। कंटेनर को चालक ने निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन पॉपलैंड मशीन की मदद से ही बाहर निकाला जा सका। पीडब्ल्यूडी वाहक के अधिकारी व कर्मचारी राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर हो रहे गड्ढों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। लापरवाही से किसी दिन जान माल का भी बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों के मुताबिक पिछले काफ़ी समय से इस सड़क में ये गड्ढा है, जिससे पहले भी कई बार वाहन फंस चुके हैं और कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। ये आलम तब है जब चंद घंटे बाद प्रधान सचिव सीएम डीएस ढेसी को इसी मार्ग से फिरोजपुर झिरका लघु सचिवालय में आकांक्षी जिले को लेकर अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करनी थी। गनीमत यह रही कि पुलिस प्रशासन वीआईपी के दौरे को लेकर पहले ही सतर्क था, वरना गड्ढे में फंसे इस कंटेनर की वजह से लंबा जाम देखने को मिल सकता था, जिससे राहगीरों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। आप देख रहे हैं नूह मेवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा नाम बरकत मलिक है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली अलवर रोड की। दिल्ली अलवर रोड जो कि NH 248 खूनी रोड है, जिन पे आए दिन दुर्घटना होती रहती हैं। और इस वक्त तो इतना बुरा हाल होया पड़ा है इस रोड का कि बरसात के मौसम में रोड टूटा हुआ है, गोड़े गोड़े खड्डे हुए पड़े हैं। अंबेडकर सर्किल क्रॉस पर झिरका पर आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ी भी फंसी हुई है। और अभी उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मालब का हालात क्या है। और इस वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह के हालात हैं, गाड़ी किस तरह से इस पानी में से निकलकर खड्डों में के निकल के कोई नीचे धसती है, कोई किसी को धक्का निकाल दे दे के निकालते हैं कोई लोग। तो लोगों की मांग है 4 लाइन बनाने की और इस रोड को सही करने की, तो सरकार इस मांग को पूरा करे। यही पूरे मेवात वासियों की मांग है कि 4 लाइन जल्द से जल्द बनाया जाए। क्या नाम है आपका? रहमू जी। क्या परेशानी है? परेशानी ये अड्डा में पड़ा, जब गाड़ी को दिक्कत आ रही है, खड्डा होया पड़ा, पानी भरा पड़ा है। अच्छा, जो अंबेडकर सर्किल के पास में जो खड्डा है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। भरा हुआ है पानी का। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहता है ये एक सारा होना चाहिए, हम माल गिरना चाहिए। क्या नाम है आपका? तैयब हुसैन। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि हमारे को जो दिल्ली हाईवे अलोर हाईवे है जो, ये बहुत ख़राब हुआ पड़ा, बस स्टैंड गेट के सामने है, अंबेडकर चौराहे के पास गाड़ी गिर चुकी थी। अभी जो गाड़ी जो दिखाई दे रही है, गाड़ी बिल्कुल नीचे गिर चुकी है, काफ़ी नुकसान हुआ है इस रास्ते पर। अब क्या चाहते हैं आप लोग? जाने का खतरा रहता है, अगर रास्ता ख़राब रहा तो ये ठेली वगैरह लगी रहती है, हाँ गाड़ी पलट जाए तो काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। हम ये चाहते हैं सरकार से कि ये रास्ता सही हो जाए और इस पर तुरंत कार्रवाई करी जाए, बनाया जाए।